Balan and you're watching Exposed India. देखिए हाईवे को देखकर जो बगल में बना है उसको देखकर इस रोड को देखते हैं तो तरस आ जाता है। आला अधिकारी कोई नहीं आता है, किसी को कोई मतलब नहीं होता, कागजों में सारा काम हो जाता है। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आज हम एक पुस्ते पर खड़े हैं जो कि सेक्टर 62 से जब खोड़ा की तरफ आते हैं तो ये पुस्ता आता है, खोड़ा पुस्ता इसे बोला जाता है। और खोड़े पुस्ते से जैसे ही आप नीचे निकलते हैं तो आपको एक रोड मिलती है और वो सड़क यानी कि रोड जो है वो ऐसी है कि उस पर चलना जो है बड़ा मुश्किल है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा इस सड़क को देखने के बाद में कि इस सड़क की वजह से लोगों को परेशानी कितनी हो रही है। इस रोड पर लेकर चलते हैं आपको, फिर उसके बाद आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। तो हम पुस्ते से नीचे उतर आए और ये सड़क जो है वो दिल्ली की ओर जाती है और अगर आप हालात देखेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि गड्ढों के अंदर जो है कोई भी व्हीकल जो है वो चलने को मजबूर है। और यहाँ पर आप एक ऑटो भी जो है वो जा रहा है परेशानी में, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टायर जो है वो अंदर धंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो तमाम गाड़ियाँ और जितनी भी बाइकें यहाँ से गुजर रही हैं सभी लोग अगर आप देखेंगे तो गड्ढे ही गड्ढे सिर्फ यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इस रोड पे कुछ लोग जो चलते हुए नज़र आ रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर, कितनी बुरी हालत है और क्या दिक्कतें यहाँ पर हुई आपको? देखिए हाईवे को देखकर जो बगल में बना है उसको देखकर इस रोड को देखते हैं तो तरस आ जाता है। अगर नई गाड़ी होगी उसका सस्पेंशन सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा जो भी है कि उधर देखे और यहाँ पर भी नज़र डाले, इस रोड को स्मूथ करेंगे, ट्रैफिक भी सही रहेगा और जाम भी कम लगेगा। चलिए, ये लोगों का यही कहना है कि जर्जर हालात में ये रोड है और इसको सुधार होना जो है वो बेहद ज़रूरी है। कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। एक ऑटो वाले भैया भी हमारे साथ हैं, अगर ये बताएंगे तो कुछ क्या समस्या हो रही है सड़क की वजह से? सड़क की वजह से इतनी दिक्कत है कि गाड़ी है ना धचर पचर हो जाती है, सवारी भी परेशान होते हैं, हम लोगों की गाड़ी भी परेशान होती है, मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, बहुत जाम भी लगता है यहाँ। और ऐसे समय में क्योंकि महामारी का समय चल रहा है तो मेंटेनेंस कैसे झेल पा रहे हैं, क्योंकि इतनी तो कमाई भी नहीं होगी मुझे लग रहा है। तो आ ही नहीं रहा है, जितना खर्चा आ जाता है वही वाली बात है, 15 दिन में या एक हफ्ते में इसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, कभी 1000 कभी 1500 ऐसा खर्चा आ जाता है इनमें। यहाँ तो नुकसान जो है वो सभी को झेलना पड़ रहा है और ये तो ऑटो चलाते हैं तो ऑटो वालों को समझ लीजिए कि आप कितनी समस्या जो है वो यहाँ पर हो रही होगी, तो इसी बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो कि खुद इस रोड से बहुत परेशान हैं। क्या क्या समस्या होती है यहाँ पर? समस्या भाई साहब बहुत होती है, जो घुटनों से पानी होता है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, मतलब आला अधिकारी कोई नहीं आता है, किसी को कोई मतलब नहीं होता, कागजों में सारा काम हो जाता है, बाद बाकी किसी को कोई मतलब नहीं, पब्लिक मर रहे बच रहे उससे कोई मतलब नहीं। सरकार बार बार कहती है कि साहब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब ये कि जनता के हकीकत में सरकार कोई काम नहीं करती, खास करके जो गरीब वर्कर आदमी होते हैं उनके लिए कोई काम नहीं होता है, भाई खाली कागजों में काम होता है बस। कितने साल हो गए सड़कों ऐसे हालात में बने हुए? ये तो करीबन जो है कि हम ये करीबन जो है 10-12 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन पहले बना है ये, इतने हिस्सा बस जितने भी ट्रक आ रहा है बस, ये उससे अलावा ये भाई इतने हिस्सा ही छोड़ दिया भाई, ये ऐसे कागजों में हो गया कि बन गया बस, बाकी कोई मतलब नहीं। यह कागजों में बन गया ऐसी बात ये कही जा रही है, कोई शासन प्रशासन के व्यक्ति यहाँ नहीं आते, एक छोटे से हिस्से पे जरूर भराव किया गया, नाले में पानी की बात कही जा रही है। क्या 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 समस्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे लोगों को? सर, एक तो लोगों का इधर से निकलना बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यहाँ पानी घुटनों घुटनों तक भर जाता है और ये यहाँ पर ये ITI है प्राइवेट, इसके अंदर तक पानी आ जाता है, इतना पानी होता है। तो आगे ये जो नाला है इसकी निकासी नहीं है, इसका पानी ओवरफ्लो आगे सब रोड में आ जाता है, तो लेडीज़ को जेंट्स को बहुत परेशानी होती है, अपन निकलने में निकल ही नहीं पाते और गाड़ी वाले भी कई बार तो गाड़ियां फंस जाती है, फिर एक दूसरा धक्का लगा के परेशानी हो जाती है। अभी शिकायत भी कही गई करी गई है यहाँ कभी शासन प्रशासन से किसी से? कोई आता नहीं, आला अधिकारी कोई आता नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। एक दो बार हमने बोला भी
नगर पालिका में बोला, उनके ब्लॉक को भी बोला, बोले नहीं बन जाएगी बन जाएगी, आए दो तीन साल से बन जाएगी में रहे, अभी तक नहीं बना। जी हाँ, अंदाज़ा ये लगा लीजिए आप इस बात से कि दो तीन साल से लगभग ये जो रोड है, क्योंकि हर कोई ये बात कह रहा है कि लगभग तीन साल इस रोड को ऐसे ही हो गए इसी हालात में, और इस हालात में अगर ये रोड कार्य कर रही है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस खोड़ा का प्रशासन है वो कितना विफल साबित हो रहा है सिर्फ एक सड़क को बनाने के लिए और सिर्फ इस सड़क को मजबूत करने के लिए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खोड़ा की तरफ यहाँ से जब ये रोड ख़त्म होती है तो बाएं हाथ पर जब आप मुड़ेंगे तो ये रोड खोड़ा की तरफ जाती है, और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो ये वही बुरी हालत वाली रोड है जिससे हम आपको घुमाते हुए लेकर आए हैं। लोगों से बातचीत करिए और जाना है कि इस रोड के हालात क्या हैं। और अगर अपने दाएं तरफ आप देखते हैं इस रोड के ख़त्म होने के बाद, तो ये जो वही हाईवे है जो सीधा यूपी गेट की तरफ जाता है, जिसे किसानों ने फिलहाल बंद कर रखा है, जिसकी वजह से जो है ये सड़क पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और यही एक कारण है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड है और जो मेन हाईवे है वो बंद होने के कारण जो है लोगों को यहाँ खासी समस्या का सामना करना पड़ता है, इस रोड पर से निकलने में दिक्कत होती है, और यही एक कारण है कि प्रशासन जो है, लोगों का कहना है कि प्रशासन भी इस रोड को लेकर एक्टिव नहीं है, और जिस वजह से पानी का जल भराव जो है वो भी यहाँ पर होता है, और इसके साथ साथ टूटी हुई रोड के साथ बाकी दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। एक्सपोज इंडिया यहीं रुकेगा नहीं, इस पर सवाल करेंगे और इस सड़क के ऊपर प्रशासन को अलर्ट ज़रूर करेंगे। कैमरामैन अनीस के साथ मैं अंशुल त्यागी, खोड़ा।